हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अथर्व है और आज हम लोग देखने वाले हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग प्रॉब्लम इन बीडीए। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जामिनेशन में, और अगर कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग का प्रॉब्लम नहीं आया ना तो भी तुम लोग थ्योरी क्वेश्चन इसका लिख पाओगे अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया तो। देखो, थ्योरी इसके लिए शायद से मैं एक अलग वीडियो भी बना दूं, लेकिन आज जरा ध्यान दे देना क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा हटके है, मतलब इतना इजी नहीं है सॉल्व कर पाना। बट अगर समझ गया ना तो मैं डेफिनेटली तुम लोग को गारंटी दे सकता हूं कि पक्का तुम लोग इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मतलब 10 मार्क का अगर प्रॉब्लम आया तो कम से कम 7 या 8 मार्क तो लेकर ही जाओगे। तो चलो इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, इन दो वर्ड्स का पहले मतलब जान लेते हैं। देखो, फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सिमिलर आइटम एंटिटीज। फिल्टरिंग मतलब फिल्टर करना मतलब क्या होता है रे, कि फिल्टर मतलब जो अच्छी चीजें उनको साइड करना और जो बुरी चीजें उनको साइड करना, मतलब लाइक्स को और डिसलाइक्स को सेपरेट करना, फिल्टरिंग का दूसरा मतलब सेपरेशन। और कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है, कोलैबोरेटिव क्या होता है, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है रिकमेंडेशन ऑफ आइटम बेस्ड ऑन अदर यूजर्स चॉइस। इसका मतलब क्या है रिकमेंडेशन ऑफ आइटम बेस्ड ऑन अदर यूजर्स चॉइस, कि जैसे कि मेरे चार दोस्त है, मेरे चारों दोस्तों को एक मूवी पसंद आई तो हो सकता है कि मुझे भी वो मूवी पसंद आए, तो इस अजम्पशन पे कि वो चार दोस्तों को पसंद आई तो मुझे भी वो पसंद आएगी, इस बेसिस पे वो मूवी थिएटर वाले मुझे एक मैसेज करेंगे कि क्या आप ये मूवी देखना चाहते हैं। मतलब दिख रहा है वो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि ये मूवी देखने के लिए, और किसके बेसिस पे रिकमेंड कर रहा है, अदर यूजर्स चॉइसेस पे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा बहुत लोग करते हैं, Amazon सब लोग करते हैं। बिग डेटा में हम लोग ढूंढते हैं कि अदर यूजर्स चॉइसेस क्या है और उसके बेसिस पे हम किसी और यूजर को रेकमेंड करते हैं, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव। तो चलो, दो वर्ड्स का मतलब तो क्लियर हो गया, कोलैबोरेटिव क्या है और फिल्टरिंग क्या है, फिल्टरिंग मतलब लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो अब इसके बेसिस पे प्रॉब्लम हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम कैसे आता है। तो मैं आप लोग को एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम दिखा देता हूं। तो ये रहा वो प्रॉब्लम, देखो यहां पे क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, और यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में दिया क्या है, योर मूवी रेटिंग इज गिवन फॉर 5 मूवीज M1 टू M5, दैट इज मूवी 1 एंड मूवी 5। रेटिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ 1 to 5, मतलब क्या है कि 5 मूवीज है, उन 5 मूवीज को अपने को रेट करने है, और रेटिंग कैसा होगा, 1 to 5 स्टार। हर मूवी का रहता है ना 1 स्टार 2 स्टार, जिसमें 1 का मतलब होता है डिसलाइक एंड 5 का मतलब होता है मोस्ट लाइक। कि 5 अगर तुमने रेटिंग दे दी, किसी कस्टमर ने 5 रेटिंग दिया तो उसका मतलब उसको बहुत पसंद आई, और किसी कस्टमर ने अगर 1 रेटिंग दिया तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब यह है सिंपल भाषा में। तो ये क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ एक और चीज वो लोग फ्री में देंगे। तो क्या वो लोग देंगे, ये टेबल, ये दिख रहा है आपको ये टेबल, ये टेबल में यहां पर जो लिखी हुई एंटिटीज है, मतलब कॉलम्स जो है वो मूवीज है M1, M2, M3, M4 एंड M5, और जो रोज में है वो कस्टमर्स है, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4 एंड कस्टमर 5। इतना समझा। अब कस्टमर 1 ने मूवी 1 को कितना रेटिंग दिया, 5 स्टार, मतलब उसको बहुत पसंद आई। उसने मूवी 2 को कितना रेटिंग दिया, 3 स्टार। मूवी 3 को कितना दिया, 4 स्टार। मूवी 4 को कितना दिया, 4 स्टार। सिमिलरली कस्टमर 2 ने मूवी 1 को दिया 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 3 स्टार, तो ऐसे सब रेटिंग्स दे दिए। तो ये टेबल समझ में आ गया। अभी ये क्या है, मतलब अपने को बाकी कुछ तो समझा नहीं, बट क्वेश्चन तो समझा, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं समझी कि ये सारे रेटिंग्स तो है बट ये क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है। फ्रेंड्स, यही है अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, कस्टमर 1 ने इन चारों मूवीज का रेटिंग तो दिया लेकिन ये 5वें मूवी का रेटिंग देना भूल गया, उसने रेटिंग नहीं दिया। तो अब उसने नहीं रेटिंग दिया तो यहाँ पे क्या डाल दे, 0 डाल दे। अरे हाँ, 0 तो नहीं डाल सकते, चलो 1 डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। 1 क्यों डालेंगे हम, क्योंकि उसने नहीं दिया इसके लिए, ऐसा नहीं चलता। एग्जाम में अपन ने एग्जाम नहीं दी तो अपने मार्क्स 0 आ जाते हैं, बट वो गलत है। अभी कस्टमर 1 के अगर हम लोग सामने 0 लिख दे तो इसका मतलब उसको, या फिर 1 लिख दे तो इसका मतलब क्या बनता है कि उसको मूवी पसंद नहीं आई। बट ये भी हो सकता है कि 5 स्टार हो, उसको मूवी बहुत पसंद आई हो। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे 1 स्टार आएगा, 5 स्टार आएगा, 2 स्टार आएगा, 3 स्टार आएगा। तो यही पता करना है विद द मेथड ऑफ कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग। तो हमारा सोल्यूशन यही होगा कि हमको इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रेटिंग आएगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को इसको फाइंड कैसे करते हैं। जरा ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। अब देखो, सबसे पहले ना अपने को सिर्फ 2 ही स्टेप्स करने हैं, 2 स्टेप में आंसर रेडी होने वाला है। बट जरा ध्यान से एकदम वो 2 स्टेप्स करना, उसमें से स्टेप 1 एकदम चिंदी है, वो बहुत ईजी है, लेकिन स्टेप 2 थोड़ी डिफिकल्ट है। तो चलो पहले स्टेप 1 तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि इग्नोर द मिसिंग रीडिंग ऑफ दैट कॉलम,
इग्नोर मिसिंग रीडिंग कॉलम एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग रोज। अब इसका मतलब क्या है कि मिसिंग रीडिंग को, मिसिंग कॉलम को इग्नोर करने का और कैलकुलेट एवरेज रीडिंग ऑफ द रिमेनिंग रोज, तो इसका मतलब क्या है, चलो देख लेते एक बार। देखो अब यहां पर क्वेश्चन मार्क है ये कॉलम में, तो इस कॉलम को हम लोग इग्नोर कर देंगे। मैंने अभी एक क्रॉस नहीं किया है, बट इसको है ना हम लोग लास्ट तक कंसिडर ही नहीं करने वाले। मतलब ये जो कॉलम है वो अपने किसी काम की नहीं है, तो मैं ऊपर क्रॉस कर देता हूं। प्रॉब्लम खत्म होने तक ये कॉलम अपने किसी काम की नहीं है, जहां पर क्वेश्चन मार्क होता है वो अपने किसी काम का नहीं। चलो इतना तो पक्का क्लियर हो गया दिमाग में। अब अगर इसको मैंने डिलीट कर दिया तो अपने पास बचा क्या, दिख रहा है ये चार कॉलम बच गए। अब अपने पास चार कॉलम्स है और पांच रोज है, दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, रो वन रो टू रो थ्री रो फोर रो फाइव। अब अपने को क्या करने का है, कुछ नहीं करने का, अपने को सिर्फ एवरेज निकालने का है। तो चलो एवरेज निकालते हैं। इस कॉलम को इग्नोर करने के बाद एवरेज कैसे आएगा, तो एवरेज कुछ ऐसे आएगा। नाउ ये एवरेज ऑफ द फर्स्ट यूजर, मतलब कस्टमर वन का एवरेज कितना आने वाला है फ्रेंड्स, तो चलो चेक करते हैं। देखो कैसे आएगा, कितना आएगा एवरेज फर्स्ट कस्टमर का, 5 + 3 + 4 + 4, ये 5 ये 3 ये 4 ये 4, तो 5 + 3 + 4 + 4 डिवाइड बाय 4, एवरेज का फॉर्मूला वही होता है ना, सम ऑफ रीडिंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो इन सब का एडिशन डिवाइड बाय 4 करने का आंसर आता है 4। तो ये क्या मिला हमको, रेटिंग एवरेज ऑफ कस्टमर वन, इसको ऐसे पढ़ने का, रेटिंग एवरेज ऑफ कस्टमर वन, वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। सिमिलरली आपको सेकंड का एवरेज निकालने का है, रेटिंग एवरेज ऑफ कस्टमर टू, कैसे निकालेंगे, 3 + 1 + 2 + 3, ये 3 कंसिडर नहीं करने का क्योंकि ये कॉलम इग्नोर हो चुकी है। तो 3 + 1 + 2 + 3 कितना होता है फ्रेंड्स, समवेयर अराउंड 9 by 4 कितना होता है, 2.25। तो सिमिलरली R3 ऑफ एवरेज, मतलब कस्टमर 3 का एवरेज आप निकाल सकते हो, इन सबका एडिशन डिवाइड बाय 4, 3.5। तो वैसे R4 का एवरेज आप निकाल सकते हो, कस्टमर 4 का एवरेज डिवाइड बाय 4 करके, और सिमिलरली कस्टमर 5 का भी एवरेज आप निकाल सकते हो। तो एक बार ये पांच रीडिंग्स आ गए ना ये पांचों कस्टमर्स के, फिर उन रीडिंग्स को सिर्फ टेबल में लिख दो, जो आप लोग सॉल्यूशन पेपर में टेबल बनाओगे उसमें ये रीडिंग्स लिख दो। पहले वाले का कितना एवरेज आ रहा है, 4, 2.25, तीसरे वाले का कितना है, 3.5, चौथे वाले का कितना है, 3, और पांचवे वाले का है 3.25। चलो इतना समझा, ये चार रीडिंग्स का एवरेज निकाल के हमने ये चार वैल्यूज प्लॉट कर लिए, तो इतना काम तो हो गया। तो हम लोगों को ये टेबल बनाना था, तो हमने ये टेबल तो बना लिया। अब ये टेबल बनाने के बाद हमारा गोल क्या था कि हम इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना चाहते थे कि कस्टमर नंबर वन मूवी 5 को कितना रेटिंग देगा। तो देखो वो जो क्वेश्चन मार्क होगा वो इन पांच वैल्यूज में से कुछ एक होगा ना, या तो कस्टमर वन 1 स्टार देगा, 2 स्टार देगा, 3 स्टार देगा, 4 स्टार देगा, तो 5 स्टार, डिसलाइक या तो मोस्ट लाइक, या तो फिर उनके बीच के कुछ रेटिंग, इन पांच में से कुछ एक देगा ना। लेकिन अब इन पांच में से कौन सी रीडिंग यहां पे आएगी ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड ऑन अदर यूजर्स चॉइसेस, कि कस्टमर 2 ने 3 दिया है, कस्टमर 3 ने 5 दिया है, कस्टमर 4 ने 4, कस्टमर 5 ने 1। तो आप लोगों को इस डेटाबेस को यूज करना है और इसकी इसका आंसर फाइंड करना है। तो अब इसको कैसे यूज करना है, इस एवरेजेस को कैसे यूज करना है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर है ना कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेके 5 तक का, लेकिन 2 नहीं आ सकता। अब तुम लोग पूछोगे यार ये 2 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 2 जो है ना इनमें से किसी कस्टमर ने दिया ही नहीं है। अरे जब किसी कस्टमर ने 2 रेटिंग दिया नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है ना कि कस्टमर 1 वो रीडिंग देगा, रेटिंग देगा। तो हम लोग ने 2 को एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 या तो 5, या तो 1 होगा 1, 3, 4 या तो 5। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इन चार में से कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा सिमिलैरिटी बिटवीन कस्टमर्स, कि कस्टमर 1 किसके साथ सबसे ज्यादा सिमिलर है, और जिसके साथ भी सबसे ज्यादा सिमिलर रहेगा उसकी रेटिंग यहां पे आ जाएगी। मतलब सपोज कस्टमर 1 और कस्टमर 2 इज मोस्ट सिमिलर, अगर ये दोनों सबसे ज्यादा सिमिलर है ना, तो यहां पे गपचुप से 3 लिख देने का। क्यों लिखने का, क्योंकि इसने 3 दिया है ना और ये इसके साथ सिमिलर है, तो 3 ये। अगर कस्टमर 3 के साथ सिमिलर हुआ तो यहां पे 5 आएगा, क्योंकि इसने भी 5 दिया था, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग को फाइंड करना है सिमिलैरिटी बिटवीन कस्टमर्स, अब गोल हमारा चेंज हो गया। तो चलो सिमिलैरिटी बिटवीन कस्टमर्स कैसे फाइंड करने का फ्रेंड्स, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है सिमिलैरिटी का। तो सिमिलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ए कॉमा बी बिटवीन टू एंटिटीज इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज टू एंटिटीज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, ये 12th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था वेक्टर्स में, a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b।
अब ये क्या है, कैसे है, इसको सिंपल भाषा में मैं समझाने वाला हूं और बहुत ईजी कर दूंगा आपके लिए। बट उसके पहले भी एक नोट है, वो नोट क्या है, द रेंज ऑफ सिमिलैरिटी विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to +1। इतना आपको याद रखना है कि दो कस्टमर्स का सिमिलैरिटी 1000 to 2000 ऐसा नहीं हो सकता, या तो प्लस वन होगा या तो माइनस वन होगा, 0.5 हो सकता है, मतलब माइनस वन और प्लस वन के बीच की वैल्यू हो सकती है, 2000 3000 ऐसा नहीं चलेगा बाबा। प्लस वन मतलब एग्जैक्टली सिमिलर, माइनस वन मतलब लीस्ट सिमिलर। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है तो उसके लिए प्लस वन या तो माइनस वन के बीच का रेंज होना चाहिए। अब सिमिलैरिटी का फॉर्मूला ऊपर वाला जो था वो बहुत इजी था बट प्रैक्टिकल नहीं था। अब प्रैक्टिकली आपको क्या अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला देख के डर गए रहेंगे आधे जन, बट इसको देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है ये फॉर्मूला। देखो, सिमिलैरिटी बिटवीन टू कस्टमर्स सीआई एंड सीजे, यहां पे C1 हो सकता है, C2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिमिलैरिटी बिटवीन टू कस्टमर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेटिंग्स, डिफरेंस इन रेटिंग डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डिफरेंस इन रेटिंग का स्क्वायर। अब इसमें और दूसरे वाले का वैसा का वैसा, तो ये फॉर्मूला बहुत यार कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब आपको मैं जब समझाऊंगा ना कि फॉर्मूला में ये सब टर्मिनोलॉजीज क्या है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो, RIP का मतलब क्या है, RI का मतलब क्या है, रेटिंग ऑफ कस्टमर आई, एंड P का मतलब होता है पर्टिकुलर रेटिंग, और RIAVG क्या होता है, RI का मतलब क्या है, रेटिंग ऑफ कस्टमर आई और उसका एवरेज, मतलब एवरेज रेटिंग ऑफ कस्टमर आए, यहां पर पर्टिकुलर रेटिंग ऑफ कस्टमर आए। सिमिलरली यहां पे RJP क्या है, पर्टिकुलर रेटिंग ऑफ कस्टमर J, और RJAVG क्या है, एवरेज रेटिंग ऑफ कस्टमर J, बस और कुछ नहीं। तो यही मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है। RIP क्या होता है, पर्टिकुलर रीडिंग ऑफ कस्टमर आए, रीडिंग बोलो या रेटिंग बोलो एक ही बात है। RIAVG क्या होता है, एवरेज रीडिंग ऑफ कस्टमर आए। RJP मतलब पर्टिकुलर रीडिंग ऑफ कस्टमर J, एंड RJ एवरेज मतलब एवरेज रीडिंग ऑफ कस्टमर J। अब ये सब यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टेंशन मत लो, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए फोकस करते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं एक बार है ना इसको सॉल्व करना सिखाने वाला हूं। देखो, फॉर्मूला में इतना तो याद रख सकते हो, समेशन है, प्रोडक्ट है, स्क्वायर रूट है, थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, बस थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, सब समझ में आने वाला है। देखो, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप टू पे हम लोग आते हैं। हमारा स्टेप वन क्या था कि सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करो, तो वो तो हमने कर लिया। अब स्टेप टू क्या है, चूज एनी टू रोज हूज सिमिलैरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। अब अपने को किसका किसका सिमिलैरिटी निकालना है, प्रॉब्लम के हिसाब से अपने को सी वन सी टू का सिमिलैरिटी निकालना है, C1 C4 C3 का सिमिलैरिटी निकालना है, C1 C4 का निकालना है, C1 C5 का निकालना है, क्योंकि हमको चेक करना है ना कि C1 कस्टमर 1 किसके साथ सिमिलर है, C2 के साथ है, C3 के साथ है, C4 के साथ है, या C5 के साथ है। तो चलो सबसे पहले हम लोग C1 और C2 का सिमिलैरिटी निकालते हैं। तो हम लोग को सिमिलैरिटी का फॉर्मूला क्या था एक बार देख लेते हैं, समेशन प्रोडक्ट स्क्वायर रूट। अब टेबल कहां गया, ये रहा हमारा टेबल। अब इसमें आई थिंक से दिख रहा होगा, अब इसके अंदर ध्यान से देखना, कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2, तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, यहां पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ कस्टमर 1 और उसके एवरेज को सब्ट्रैक्ट करो, 5 - 4, इस सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के साथ, कस्टमर 2 के सब्ट्रैक्शन के साथ। तो कस्टमर 2 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, डिफरेंस 3 - 2.25, दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये तैयार कर लिया, अपने को पता था कि फॉर्मूला में क्या था, समेशन, तो समेशन था तो प्लस। अब जैसे ये सब्ट्रैक्शन हमने ये किया, मल्टीप्लाई किया, तो वैसे अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन क्या होने वाला है, कस्टमर 1 का 3 - 4 ये रीडिंग्स इंटू कस्टमर 1 इंटू 1 - 2.25, इतना समझे, ये वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। अब वापस से समेशन था ना, तो मतलब सम, एडिशन ऑफ एवरीथिंग, समेशन मतलब। तो नेक्स्ट वाला क्या है, 4 और 4, तो क्या करेंगे अभी हम, 4 - 4 करंट रेटिंग माइनस एवरेज रेटिंग, मैंने बोला था ना वो RIP का मतलब पर्टिकुलर रेटिंग, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू और ये एवरेज वैल्यू, तो दिस माइनस दिस इनटू कस्टमर 1 इनटू कस्टमर 2,
कस्टमर टू क्या है 2 माइनस 2.25। सिमिलरली प्लस लास्ट वाला क्या बचा है 4 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 2.25। चलो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया कस्टमर वन इंटू कस्टमर टू, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब सिंपल है, ठीक है, एलएमटी पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमने कर लिया। अब नीचे क्या था हमको याद है, स्क्वायर रूट थे और स्क्वायर रूट के अंदर समेशंस थे, याद आ रहा है इतना फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, स्क्वायर रूट अंदर क्या थे समेशंस, समेशन और उसके स्क्वायर्स, समेशन के स्क्वायर्स। तो अब यहां पर है ना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, यहां पे क्या करने का पता है, अपने जो ऊपर है ना जो पहले कस्टमर के वैल्यूज है ना जैसे ये 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 ये, इन सबको है ना इधर एड कर देने का, इन सबके स्क्वायर्स को अंदर एड कर देने का। 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर बस पहले वाले जो रीडिंग्स रहेंगे उनको, उसके स्क्वायर्स को एड करना है। इसको रूट मीन स्क्वायर भी बोलते हैं, बट जाने दो। तो ये कर लिया आप लोगों ने। फिर सेकेंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या करना है, ये जो सेकेंड रीडिंग्स आ रहे हैं ना सेकेंड कस्टमर के, उनके रीडिंग्स को स्क्वायर करके ऐड करना है। वापस वही स्टोरी जो यहां पे किया वही वापस वहां पे करना है। तो मतलब 3 माइनस 2.25 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाला क्या है 1 माइनस 2.25 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाला क्या है 2 माइनस 2.25 का स्क्वायर प्लस ये वाली रीडिंग 3 माइनस 2.25 का स्क्वायर, और इन सब का स्क्वायर रूट लेना है लास्ट में। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 5 माइनस 4 1 3 माइनस 2.25 प्लस दिस, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये जो वैल्यूज है ना ये दो वैल्यूज इसको उठाना है और कैलकुलेटर के अंदर डाल देना है। और ये मैं अब करते नहीं बैठूंगा क्योंकि आप लोगों को आता है 5 माइनस 4 1 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये सब करना आता है। तो जब आप ये सब कर लोगे ना कैलकुलेशंस, आई एम श्योर आप लोग कर लोगे, तो इसका जब कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा तो वो होगा 0.85। बस इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेना ध्यान से जरा प्रोडक्ट बिडक। तो ये जब करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.85। तो देखा आप लोगों ने सिमिलैरिटी बिटवीन कस्टमर वन एंड कस्टमर टू फाइंड कर ली। तो अब ये सिमिलैरिटी बिटवीन कस्टमर वन एंड कस्टमर टू फाइंड की, वैसे ही आप लोगों को सिमिलैरिटी बिटवीन कस्टमर वन एंड कस्टमर थ्री फाइंड करनी है। सेम फॉर्मूला वही सब, वन एंड थ्री कंसिडर करना है, फिर 5 माइनस 4 4 माइनस 3.25 प्रोडक्ट, फिर 3 माइनस 4 दिस, फिर यही करते रहना है, वही स्टोरी करते रहना और आपको आंसर मिलेगा 0.7। फिर सिमिलरली सिमिलैरिटी बिटवीन कस्टमर वन एंड फोर करना है, उसका आंसर आएगा 0, मतलब वही सब्ट्रैक्शन करके नीचे स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट करके स्क्वायर्स वेस वो सब। और लास्ट में कस्टमर वन एंड कस्टमर फाइव करना है, तो C1 C5, जिसका आंसर आएगा -0.79। अब ये पांच आपको ये चार रीडिंग्स आ गए कि कस्टमर वन, यहां पर ऐसे रखेगा कि कस्टमर वन एंड टू 0.85 सिमिलर है, कस्टमर वन एंड थ्री 0.7, कस्टमर वन एंड फोर 0, कस्टमर वन एंड कस्टमर फाइव -0.79। तो ये सिमिलैरिटी वैल्यूज है चार कस्टमर्स के साथ। तो इनमें से सबसे ज्यादा रीडिंग किसके साथ है, इन सब में से सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किसके साथ है, आई थिंक कस्टमर वन एंड कस्टमर टू, क्योंकि 0.85 इन चारों से बड़ा है ना इन तीनों से, तो हमको ये वैल्यू कंसिडर करनी है। तो अगर ये वैल्यू कंसिडर की तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर टू और कस्टमर वन के जो चॉइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मतलब कस्टमर टू ने इसको 3 रीडिंग दिया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आएगा 3। कस्टमर टू की रीडिंग को हम यहां पे लिख देंगे, बस खत्म। तो यही सोल्यूशन था फ्रेंड्स। तो मुझे बस इतना ही डाउट है कि आप लोग इसमें फॉर्मूला को जरा एक दो बार प्रैक्टिस कर लो इसको ध्यान से। मैंने जितना इजी कर सकता था मैंने बहुत इजी कर लिया इसको। इस स्लाइड को जरा देख लो ध्यान से और इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो। अब ये वीडियो खत्म हो गया, सब समझ में आ गया। मेरे नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से ये सब दिया हुआ है, तो वो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए जरा सुमेर को कॉल करना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में भेजो यार, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।